मैं कीर्ति परोहा, क्लास 11th बायोलॉजी की क्लास में आपका बहुत स्वागत करती हूँ। बच्चों, जैसा कि हम क्लासिफिकेशन के अंतर्गत कॉर्डेटा संघ के बारे में पढ़ रहे थे, और आज हम इसी का जो सुपर वर्ग टेट्रापोडा है उसके अंतर्गत वर्ग एम्फीबिया का अध्ययन करेंगे। चलिए बच्चों, शुरू करते हैं। सबसे पहले देखेंगे सुपर वर्ग टेट्रापोडा। टेट्रापोडा यानी चतुष्पाद, चार पाद जिनके होते हैं। तो ग्रीक वर्ड है टेट्रा, टेट्रा का मतलब फोर, और पोडास का मतलब होता है फुट, यानी चार पैरों वाले। इसके विशिष्ट लक्षण क्या है? जंतु प्राय स्थलीय होते हैं, चलने फिरने के लिए दो जोड़ी पाद या पैर पाए जाते हैं, और प्रत्येक पाद में पांच पांच अंगुलियां होती हैं। बाह्य कंकाल शल्कों, परों अथवा बालों का बना होता है। नासारंध्र अंतः नासारंध्रों द्वारा मुख में खुलते हैं। अंतः कंकाल जो होता है वो अस्थियों का बना होता है। श्वसन क्रिया फेफड़ों द्वारा संपन्न होती है। हृदय जो होता है वो तीन अथवा चार कोष्ठों का बना होता है, मतलब जो हार्ट होता है वो 3 to 4 चैम्बर्ड होता है। दोहरा रक्त परिवहन पाया जाता है, ना डबल ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है, और वायु में कार्य करने के लिए कान, नाक व आंख उपयोगी होते हैं। अब जो टेट्रापोडा है उसको अगेन डिवाइड किया है फोर क्लासेस में। इसकी जो पहली क्लास है वर्ग एम्फीबिया, सेकंड क्लास है वर्ग रेप्टिलिया, क्लास 3 है वर्ग एवीज, और क्लास 4 है मैमेलिया या मैमल। एम्फीबिया के अंतर्गत जैसे अपन देखते हैं मेंढक या टोड इनके उदाहरण है, रेप्टिलिया के उदाहरण है छिपकली, नाग, स्नेक, एवीज पक्षी जितने हैं कबूतर, चिड़िया वगैरह, और वर्ग मैमेलिया में उदाहरण खरगोश, चमगादड़, मनुष्य इत्यादि, जिनका हम अलग अच्छी तरह से आगे की वीडियो में अध्ययन करेंगे। आज हम पढ़ेंगे वर्ग एम्फीबिया के बारे में। वर्ग एम्फीबिया, एम्फी यानी दोनों, बायोज यानी लाइफ, ऐसे प्राणी जो दोनों सिस्टम में अपनी जीवन जीते हैं, दोनों जगह रह सकते हैं। तो एम्फीबिया के लक्षण क्या है? इस वर्ग के जो जंतु होते हैं वो थल और जल दोनों स्थानों में रहते हैं। ये जंतु कैसे होते हैं? कोल्ड ब्लडेड, शीत रक्त वाले होते हैं। इनकी त्वचा जो होती है कोमल होती है, नम मॉइस्ट होती है, लचीली होती है और चिकनी होती है। त्वचा पर म्यूकस ग्लैंड, श्लेष्म ग्रंथियां पाई जाती हैं जिनसे म्यूकस निकलता रहता है। चलने या तैरने के लिए दो जोड़ी टांगे होती हैं। अंगुलियों के बीच में प्रायः झिल्ली होती है, जैसे अपने फिंगर्स हैं, अपने फिंगर्स के बीच में झिल्ली नहीं है, लेकिन जो एम्फीबियंस रहते हैं उनके बीच में पतली झिल्ली पाई जाती है। इनके प्रोथ या स्नाउट पर दो नासा छिद्र होते हैं। जीभ बहिसारी होती है तथा लसलसी रहती है। मुख में दांत पाए जाते हैं और हृदय में तीन कोष्ठ या थ्री चैम्बर्ड हार्ट पाया जाता है। नेत्रों में अचल पलकें होती हैं, केवल तीसरी पलक गतिशील होती है। यह एक लिंगी प्राणी हुआ करते हैं। श्वसन जो है वो गलफड़ों एवं त्वचा के द्वारा होता है। दैट इज इम्पोर्टेंट कि एम्फीबियंस में जो रेस्पिरेटरी होता है, रेस्पिरेशन होता है, वो गलफड़ों, गिल्स और त्वचा के द्वारा होता है। कंकाल किसका बना होता है? हड्डियों का बना होता है। और इनकी प्रारंभिक अवस्था में, जब ये भ्रूण अवस्था में रहते हैं, तो इनके भ्रूण का आकार मछली के समान होता है। इसके मेन पांच लक्षण हम और अच्छे से बिल्कुल स्पेशली याद कर सकते हैं कि त्वचा मुलायम और नम होती है। निमेशक पटल का नेत्रों में पाया जाना, ये जो निमेशक पटल होती है, क्योंकि अगर ये पानी में रहते हैं तो ये निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन जो होती है वो इनकी आंखों को पानी से सुरक्षा प्रदान करती है और पानी में भी देखने की सहायता करती है। जीभ का लसलसादार व चिपचिपा होना, नर प्राणियों में स्वर कोशों का पाया जाना और शरीर के बाहर निषेचन की क्रिया होना, ये एम्फीबियंस के पांच मेन कैरेक्टर्स हैं। अब हम इसका वर्गीकरण देखें तो वर्ग एम्फीबिया को तीन गणों में बांटा गया। पहला है जिम्नोफाइना या एपोडा, अर्थात बिना पैरों वाले, जैसे इक्टियोफिस। दूसरा है यूरोडेला, इसका उदाहरण सेलामेंडर या साइरेन। तीसरा है एन्यूरा, मेढक, टोड और हाइला। तो ये हैं वर्ग एम्फीबिया के वर्गीकरण। अब इनके विशिष्ट लक्षण गणों के आधार पर अगर हम देखें तो पहला देखते हैं गण जिम्नोफाइना या एपोडा। इनमें जंतुओं में अंश व श्रोणि मेखला का अभाव होता है, मतलब जिससे लिम्स या पाद जुड़े होते हैं उसमें होता है पेक्टोरल गर्डल और पेल्विक गर्डल, ये नहीं पाई जाती। शरीर पतला व लंबा होता है
और शल्क से ढका रहता है। श्वसन गलफड़ों द्वारा होता है। नेत्रों के ऊपर पारदर्शक झिल्ली उपस्थित होती है। इसका उदाहरण है इक्थियोफिस। यहाँ पर आप इक्थियोफिस का डायग्राम देख रहे हैं कि इसमें किसी भी प्रकार से पैर या टांगे नहीं पाई जाती। नेक्स्ट देखें हम, दूसरा गण है यूरोडेला। इसके संपूर्ण जीवन काल में क्या उपस्थित होती है? पूंछ उपस्थित रहती है। अगले पाद में दो अथवा दो जोड़ी पाद पाए जाते हैं। जबड़ों में दांत पाए जाते हैं। श्वसन के लिए जलचरों में गड़फड़े, गलफड़े, गिल्स तथा अगर जो थल में रहते हैं उनके लंग्स पाए जाते हैं। उदाहरण इसका सेलेमेंडर, और ये सेलेमेंडर का चित्र है। नेक्स्ट देखें हम, जो है ऑर्डर एन्यूरा या गण एन्यूरा। प्रौढ़ जंतुओं में पूंछ नहीं पाई जाती। जब ये वयस्क अवस्था में रहते तो इनमें पूंछ विलुप्त हो जाती है। पाद के दो जोड़े होते हैं। त्वचा चिकनी एवं ग्रंथिमय होती है, ग्लैंडुलर होती है। जंतुओं के शरीर में पसलियों का अभाव होता है। श्वसन त्वचा एवं फेफड़ों दोनों से होता है। उदाहरण मेढक, हायला, ब्यूफो, रेकोफोरस, ये इस गण के सदस्य हैं। तो बच्चों ये था आपका वर्ग एम्फीबिया के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे वर्ग रेप्टिलिया के बारे में अध्ययन करेंगे। थैंक यू।